नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा और आप देख रहे हैं डी पीपल वॉइस। कोरोना ने न केवल जनजीवन को अस्त व्यस्त किया है बल्कि इसके कारण देश के प्रमुख सेक्टर्स भी प्रभावित हुए हैं। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि देश के प्रमुख सेक्टर्स में से एक रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, क्योंकि यह एक ऐसा सेक्टर है जिसका जुड़ाव प्रत्यक्ष रूप से आम लोगों से होता है। लिहाजा डी पीपल वॉइस पहुंचा बिहार के जाने माने शख्सियत और मकान डेवलपर्स कंपनी के फाउंडर और CMD PK चौधरी के पास, ताकि कोरोना काल में आप तक रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। आपको बता दें कि PK चौधरी मकान डेवलपर्स कंपनी के फाउंडर और CMD के साथ ही आज पूरे बिहार में लॉकडाउन के दौरान अपने अनूठे कार्यशैली से मिसाल पेश करने वाली तथा गरीब और जरूरतमंदों के लिए मदद की पर्याय बन चुकी संस्था महिला विकास मंच के अभिभावक भी हैं। यदि कोरोना संकट के समय महिला विकास मंच अपने कार्यों को इतने प्रभावशाली ढंग से कर पा रही है तो यकीनन इसके पीछे PK चौधरी का भी सराहनीय सहयोग है, क्योंकि किसी भी संस्था को बेहतर तरीके से काम करने के लिए आर्थिक, शारीरिक और मानसिक सहयोग की जरूरत होती है, जिसका एक बेहतरीन समन्वय महिला विकास मंच के कार्यों में देखा जा सकता है। आइए देखते हैं डी पीपल वॉइस के वरीय संवाददाता विद्रोही के साथ PK चौधरी की खास बातचीत। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि महिला विकास मंच के आप अभिभावक हैं, महिला विकास मंच महिला की प्रताड़ना के खिलाफ तो लड़ते ही हैं, पुरुषों के भी प्रताड़ित होने पर है सो उसके खिलाफ में, प्रताड़ना के खिलाफ में खड़ी होती है। तो ये सोच जो है सो कहाँ से आया, आपको क्यों लगता है कि पुरुष भी इस समाज में प्रताड़ित होते हैं, उनके सहयोग की जरूरत है, महिला विकास मंच को उनके साथ खड़े होने की जरूरत है? देखिए, ऐसा है कि ये तो जो महिला विकास मंच बना था महिला के विकास के लिए बना था, महिला के साथ जो ब्रूटल बिहेवियर हो रहे थे, घरेलू हिंसा हो रहा था, इसी के लिए। लेकिन इस दरमियान जब हम लोग घर घर गए और जब देखे तो सिर्फ महिलाओं का ही नहीं, पुरुषों का भी बहुत ही प्रताड़न हो रहा है। बहुत सारी ऐसी क्रूकेट महिलाएं हैं जो पुरुष को भी बहुत प्रताड़ित करती है, तो बहुत सारे पुरुष जो हैं इस प्रताड़ना से ग्रसित है। तो हम लोग को लगा कि हमारा तो काम है मानव सेवा करना, तो ऐसा कोई पुरुष से तो कोई रिस्ट्रिक्शंस है नहीं, तो हम लोगों ने फिर पुरुष के लिए भी काम करना शुरू किया। मतलब आपका जो सोच है घरेलू हिंसा मुक्त परिवार का सोच है, चाहे वो महिला के ऊपर घरेलू हिंसा हो या पुरुषों के ऊपर हो। एक बात आपसे जानना चाहेंगे सर कि अभी के समय में कोरोना का समय चल रहा है, सभी लोग के आमदनी के रास्ते बंद है, ऐसे स्थिति में जो आपके द्वारा मकान बनाया जा रहा है तो लोग अभी चिंतित होंगे कि उनका क्या होगा, कैसे होगा। जो बिजनेसमैन है उनके अंदर में भी चिंता का माहौल है कि जो ये कोरोना का समय है कब तक रहेगा, कब तक लॉकडाउन रहेगा, निर्माण कार्य पर रोक रहेगा। ऐसी स्थिति में इससे निपटने के लिए सरकार के द्वारा क्या राहत दी गई है आप लोगों को, और कस्टमर्स को इसका क्या मतलब नुकसान होगा या फिर उनके लिए चिंता का भय चिंता ना करें, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बता दूं अभी कि मेरी मकान डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो मैं बिल्डिंग बिजनेस मैं पिछले 30 साल से कर रहा हूँ जी, और एक दो नहीं कम से कम हजारों हजार फैमिली को मैंने घर दिया है, तो उन हजारों लोगों का भरोसा है हम में। वो तो कभी भी नहीं सोचेंगे, जो हमारे कस्टमर हैं वो हमारे लिए कभी भी नहीं सोचेंगे कि जो उनको भले ही ये कोरोना काल में थोड़ा सा काम लॉकडाउन में काम वाम बंद हो गया, तो ऐसे में 6 महीना का एक्सटेंशन सरकार ने दिया है, लेकिन ये 6 महीना से काम नहीं चलेगा, कम से कम 1 साल 1.5 साल तो इसको रिकवर करने में लगेगा। तो हमारे जो भी कस्टमर्स हैं वो निश्चिंत रहें, मैं उन्हें भले ही ऑन टाइम नहीं दे सकूं लेकिन 6 महीना डिले करके उनको प्रोजेक्ट जरूर हैंडओवर करूंगा। चलिए, तो ये तमाम बातें हम लोगों ने अभी आर्थिक परिस्थितियों पर, आर्थिक देश के जो हालात हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्पेशली मकान के निर्माण में और कस्टमर को उनको देने में, ये जानकारी हमें इनसे मिली। इन्होंने बताया कि अभी पैनिक होने का सिचुएशन नहीं है, कोई भी कस्टमर पैनिक नहीं हो, और पहले भी ये हजारों कस्टमर्स को मकान बनाकर दे चुके हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भले ही लेट होगा, 6 महीना जो सरकार के द्वारा परमिशन दिया गया है कि 6 महीना तक आप एक्सटेंशन कर सकते हैं, तो ये उसके बाद है सुनिश्चित रूप से देने का काम करेंगे, तो ये बातें इन्होंने बताई। धन्यवाद द पीपल वॉइस पर इसी तरह से जुड़े रहे हमारे साथ।